राधावल्लभ श्री हरिवंश राधावलभ श्रीहरिवश राधावल्लभ श्री हरिवन्श राधाल्लभ श्रीहरिवन् वृन्दावनेश्वरि तवैवपदार्विन्दम् मकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतल निर्वापय निर्वापयत् परम शीतल माश्रय राधा राधा Radha. no राधा राधा ला... सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर उपासक को हर समय सावधान रहना होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है परमार्थ में चलना अध्यात्म मार्ग में चलना भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होना एक बहुत बड़ा युद्ध है किसी और से नहीं अपने मन से अभी हम मन को अपना मित्र मानकर या मैं मानकर वर्ताव करते हुए प्रपंच में फंस गए दुर्गति हो गई सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा जब हमें यह पता चला कि मायाकृत नानात्व में मेरा मन ही मुझे अधीन किए हुए है तो हमें अपने परम बल का आश्रय लेने की भावना उदय हुई हमारे परम बल हैं प्रभु जब तक आप इनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते यह हृदय की बात है समझ लीजिए जब तक भगवत आश्रय नहीं लेंगे तो मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते और सारा का सारा बंधन इसी मन से है मन को हमने स्वीकार किया है मेरा भाव से या सीधे मैं भाव से बहुत उल्टा हो गया जो बुद्धि निर्णायक है मन ने बलात उसको अपने अधीन कर रखा है जो मन इंद्रियों को शासन में ले सकता है तो इंद्रिया बलात् मन को अपने अधीन कर लिए हैं जो इंद्रिया निर्विषय होकर प्रभुमय हो सकती हैं विषयों ने बलात उनको आकर्षित कर रखा है सब उल्टा हो गया है होना यह चाहिए था कि बुद्धि के अधीन मन और मन के अधीन इंद्रिया और इंद्रिया भगवत अर्पित एक एक चेष्टा एक एक चिंतन केवल प्रभु के चरणों में सब उल्टा हो गया है इसी से हमारी समझ बिगड़ गई है हम ईर्ष्या से द्वेष से राग से नाना प्रकार की ऐसी रस्सियां हैं जिनसे अपने को जकड़ते जा रहे हैं और मन इतना जलाता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते क्यों क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया एक एक शब्द पकड़ लेना जिस समय आप जल रहे होंगे उस समय कोई वस्तु व्यक्ति स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा उस समय भगवत विस्मृति है अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं हृदय शांत नहीं होगा सत्य विषय है एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है हमें बचना है राग और द्वेष से हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है लाख समझाओ पर वो समझ में नहीं आ रहा भगवान कृपा करें और आप अपनी बुद्धि को सत्संग के वाक्यों के द्वारा मार्जन करें अपवित्र हो गई है मल लग गया है पवित्र बुद्धि होगी तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा ज्ञान का किससे द्वेष करते हो किससे जलते हो क्यों जलते हो अपने अंदर प्रश्न करो जब जिसकी हम प्राप्ति के लिए निकले वही सब रूपों में है फिर हम जलन क्यों फिर द्वेष क्यों एक की प्रशंसा एक की निंदा क्यों इसी अज्ञान को तो दूर करने के लिए परमार्थ मार्ग में आए हैं हमारा मन जब जनेन्द्री के साथ होता है तो काम भाव को प्राप्त हो जाता है नेतेंद्री के रूपाशक्त होता है मोह भाव को प्राप्त हो रहा है एक एक इंद्री उस समय आपका भजन कहां गया था सत्य देखना उस समय क्या प्रभु के चिंतन में थे प्रभु का नाम चल रहा था नहीं फिर कैसे उपासक हो शहों बार सत्संग में सुन चुके हानि हरिवंश के नाम अंतर परे लाभ हरिवंश उच्चरत बानी तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुख दानी नहीं समझ में आ रहा नाम छूटा कोई न कोई वृत्ति फंस जाएगी राग से या द्वेष से बड़ा मुश्किल होता है छुटाना वो उपासक ही जानता है संसारी व्यक्ति क्या जाने वो तो मनोरंजन में ही अपना जीवन नष्ट कर रहा है जो उपासक सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए वो समझता है इस युद्ध में कैसी पीड़ा होती है बहुत सावधानी हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है नाम चल रहा है तो कोई भी विकार स्फुरित होगा नष्ट हो जाएगा वो अपना संस्कार नहीं बना पाएगा पर आप नाम का कितना आदर करते हैं आप भगवान के मार्ग के पथिक हैं कितना आदर करते हैं अपने मान के बराबर या मान से अधिक देख लीजिए तो पता चलेगा कि मान अधिक है नाम छोटा है हमारे लिए थोड़े से सांसारिक लाभ की वृत्ति का अवसर आया भूल जाएगी वृत्ति भगवत स्मरण ये कब तक बहुत कम समय है कब तक जलते रहोगे परम शीतलमाश्रयामी स्वामी जी के चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं आप स्वयं जलन स्वीकार करते हैं आप स्वयं मनन ऐसा करते हैं जिससे आपकी जलन बढ़े आप उस मन की जलन को अपने में देख लेते इसलिए सह नहीं पाते हैं कैसे तुम्हारी भक्ति बढ़े सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित हमारा जीवन प्रभु के लिए है हमारा व्रत सहन करना है हमारी सावधानी भगवत विस्मरण ना होने पावे फिर देखो आप कैसा आनंद में खेल होता है आपके जीवन का पर मानना ही नहीं है लौकिक क्रिया लौकिक व्यवहार लौकिक वार्ता की इतनी सत्ता है कि भगवत वार्ता भगवती सेवा संविधान दिनचर्या मात्र तो ही नहीं इसका कोई कोई मात्र नहीं कैसे कैसे हम अपने मन को भगवदाकार बना पाएंगे सत्संग सुनते हैं धाम आ गए हैं फिर भी हम वही राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करते हैं कुछ अच्छा कुछ बुरा ये हमारा विषय नहीं अच्छा बुरा हमारा विषय परमानंद में प्रभु जो ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं उनको पहचानना जड़ चैतन्य सब में अपने प्रभु की झांकी करने का भाव रखना नाथ आप दिखाई नहीं दे रहे हो हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है पर आप हो इसमें क्योंकि आपकी ही सत्ता से सत्तावान है नाथ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है दुष्ट स्वभाव दिखाई दे रहा है पर प्रभु आप ही हो इसके अंदर साधक भावना में विचरता है भावना सिद्ध होती है वो सिद्ध हो जाता है आपकी क्या भावना है द्वेष की काम क्रोध की मन काम से पीड़ित है आप सह नहीं पा रहे हैं क्यों आप तदात्म किए हैं आप नाम छोड़ दिए हैं आपके सामने व्यक्ति है वस्तु है स्थान है इसलिए कामना आपको पीड़ित कर रही अगर वहां भगवत भाव कर लेते यही कामना भस्म हो जाती आप अभ्यास कीजिए सत्संग और हरिनाम जब राधा नाम जब यही परम पद में पहुंचा देगा मन तो चंचल सवें या को कौन उपाय साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय दो बात बताई ध्रुवदास जी महाराज ने परम साधना निरंतर हरि भजन सहयोग हमारी साधना सुरक्षित रहे हमारी साधना बढ़े हमारी साधना में कोई दोष विघ्न ना आ जाए तो इसकी सहायता सत्संग से होगी <coughs> यदि सत्संग के वाक्यों का मनन नहीं तो क्या सुना चल दिया बड़ी असावधानी हमारे जीवन में बहुत असावधानी है जो भटके हुए हैं उनकी बात अलग है आप भगवत कृपा पात्र हैं आप साधक हैं आपको प्रभु ने अवसर दिया है मुक्त होने का अब सावधान हो जाइए। श्रीपाद प्रबुधानंद जी कह रहे स्वप्ने खलु जागरे थवा तव वृंदे वनता पर राधिका अपी रुदियाद प्रिया सुता हे वृंदावन हम आपके आश्रित हैं स्वप्न में भी कभी मैं छोड़कर आपको जा रहा हूं ऐसा मेरा कभी स्वप्न भी ना हो जागृत की कौन कहे यदि कभी ऐसा स्वप्न भी वो मेरे जीवन में कभी स्वप्न ना आवे जिस स्वप्न में मैं आपका आश्रय छोड़कर जा रहा हूं हे वृंदावन चाहे जितना मुझे कष्ट मिले मैं आपके आश्रित रहूं क्यों क्योंकि हमने महापुरुषों से सुना है कि जो आपका दृढ़ आश्रय ले लेता है तो श्रुत राधिका प्रियांतिक वृत् मैंने सुना श्रुत सुना परम प्रिय श्री स्वामिनी जी और प्राणाधार श्री लालजू महाराज ये उसे इस संबंध से प्राप्त हो जाते हैं कि वृंदावन वासी है ध्यान दीजिए यहां साधन शब्द का वर्णन नहीं है साधन के लिए तो जब बात करते हैं तो कहते सकल गति विहीन सद गति सत्व श्रुति तति सकला गीता अत ऊर महिमा तमेव बृंदाटवी मम सच्छरण न चान्य दस्ती यद्यपि मैं समस्त साधन विहीन हूं कोई ऐसा साधन नहीं कि मेरी कोई सदगति हो सकती है जो शास्त्र सिद्धांत है मेरे जीवन में नहीं है पर मैंने आपकी महिमा सुन रखी है हे वृंदावन धाम मम सच् न चान्य दस्ती निश्चय कर लिया है अब हम किसी और का आश्रय नहीं ले सकते केवल आपका आश्रय लेते हैं परम धाम निष्ठ श्री प्रबुधानंद जी महाराज मैंने आपकी महिमा सुन साधन भी हूं श्रुति सिद्धांत मेरे में एक भी नहीं है पर मैंने महिमा सुन रखी है कि जो आपकी शरण में हो जाता है तो आप इतने महान हैं कि उसे प्रिया प्रीतम प्रदान कर देते हैं इधर कहा स्वप्न में भी कभी हमें यहां से बाहर जाने वाली बात ना हो स्वप्न भी ऐसा ना आवे जागृत की कौन चलावे मैं आपके सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं तो इस संबंध से प्रिया प्रीतम उसे प्राप्त हो जाते हैं इसमें धाम प्रिया प्रीतम प्रदान कर देता है इसमें धाम की अनन्यता तो ये देख के प्रिया प्रीतम आ जाते हैं ये मेरे धाम का आश्रय लिए हुए है धाम नाम रूप लीला ये हमारे प्रभु के उस प्रेम महल में पहुंचने के लिए जहां दिव्य भाव से भाव से अनंत काल तक के लिए उनके समीप महासुख का महासेवा सुख का अनुभव एक निष्ठा हृदय में जागृत हो जाए धाम आश्रय हृदय में जागृत हो जाए जिन सुखों के लिए हम भटक रहे हैं वो सुख नहीं है लाखों बार भोग चुके हैं आप लाखों जन्मों में भोग चुके हैं हरि विमुख को त्रिभुवन में कोई भी कहीं भी कुछ भी सुख नहीं प्रदान कर सकता ये बात हृदय में बैठा लीजिए जो भगवत विमुख है कहीं भी कोई भी कुछ भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकता न किसी का आशीर्वाद काम करेगा आपके ऊपर भगवत विमुख के ऊपर नहीं कर सकते ऐसे क्यों आशीर्वाद क्यों नहीं काम करेगा क्योंकि भगवत विमुख हो आप भगवान जी महाराज का आश्रे लेकर के शास्त्रावा वर्ज अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त किया लेकिन उनकी बात नहीं समझी जो अवध श्रोमणी आत्मानंद में निरंतर मगन है वो बात नहीं समझी और बल सिद्धियां प्राप्त होने पर उदंडता आ गई और जगत वंदनी परम पूजनी श्री जबदंग जी का भारी अपराध कर दिया परशुराम भगवान के द्वारा वंश का विनाश हो गया क्या हुआ इतने बड़े महापुरुष का आश्रय लेने वाला संग करने वाला हमारा हृदय जब तक प्रभु के सन्मुख नहीं तो सब आशीर्वाद व्यर्थ जाते हैं। सब आशीर्वाद सब वरदान व्यर्थ हो जाते हैं प्रभु के आश्रित तो हो तो कोई भी साप आपको ताप नहीं पहुंचा सकता श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं सब सुख विमुखन को दुख रूप जो प्रियालाल से हरी से विमुख है चाहे जितने सुख एकत्रित कर लो वही सुख तुम्हें भारी दुख प्रदान करने वाले बन जाएंगे चिंता सुख भय अंत में मृत्यु निश्चित ये दुख आपको छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही है पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने कहा कि यदि इतनी बात तुम्हारे हृदय में आ जाए कि भगवान है तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाए और कहीं ये बात पकड़ लो कि जिभ्या से राधा कृष्ण राधा कृष्ण तो अब तुम्हारे लिए दसों दिशाएं मंगलमय हो जाएंगी बस तुम नाम मसीन की तरह जवान से चलाओ बाबा का अनुभव ध्यान नहीं लग रहा मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं राधा 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 सब सुख सब सुख यहां से लेके परमेषि पद तक विमुखन को दुख रूप विमुखो जो हरीश विमुख है नाम जप नहीं है आश्रय नहीं है लीला श्रवण नहीं गायन नहीं प्रभु का चिंतन नहीं क्या जीवन है क्या जीवन है दुर्दशा देख के हृदय दुखी होता है संतों का जो बड़े बड़े तप लोग जन लोक में विराजमान महर्षि जन हैं कि अरे ये हमसे ऊपर जा सकते हैं भारत भूमि में जन्म लेकर जो हमारे भगवत आराधन के मर्मज्ञ वेदज्ञ जन हैं सिद्धांत बताए है, उसके अनुसार चलकर ये हमसे ऊपर जा सकते हैं वैकुंठ जा सकते हैं आप साकेत जा सकते हैं आप भगवान की नित्य विहार लीला में प्रवेश कर सकते हैं उनको दुख है इस बात का इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाकर ये भगवत विमुख समय नष्ट कर रहे हैं जहां रसिक अन्यतु बृंदावन के भूप सब सुख विमुखन को दुख रूप जिसके जीवन में संत नहीं वो जीवन प्रकाश को प्राप्त नहीं होता पक्का जैसे हमें जीने के लिए अन्न चाहिए जल चाहिए वायु चाहिए ऐसे जीवन के परम लक्ष्य के लिए हमें संत चाहिए जहां नरसिक अनन सेई जिसके जीवन में किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संबंध नहीं है वो जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता अर्थात अज्ञान अंधकार माया अंधकार में भटकता रहेगा कोई भी हो समस्त आसक्तियों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों में होती है उनके वचनों का आदर पूर्वक पालन करने पर वृंदावन के भूप श्री वृंदावनेश्वर श्री वृंदावनेश्वरी युगल लाडले परिचय में आ जाते हैं अपने जीवन लगने लगते हैं फिर उनका स्मरण करना नहीं पड़ता वो स्मृति बन के बैठ जाते हैं मान लीजिए स्मरण करना और स्मृति में बैठ जाना स्मृति में बैठ जाते हैं कब जब रसिकों का अनन्य रसिकों का भगवत प्रेमी महात्माओं का संग जिसके जीवन में संत नहीं अज्ञान अंधकार में भटकता ही रहे क्यों म्यों ये वो आंखें हैं देखो खोलकर कौन है संपूर्ण सृष्टि का विधाता कौन है कोई तो है जब कृति है रचना है तो रचना करने वाला भी है जब ये सब प्रगट है तो प्रगट करने वाला भी कोई है वही हमारा स्वामी है उसी के हम अंश हैं, या वही हमारी आत्मा है जहां न जीव दया दीनता भाव भक्ति नानूप कनक कोट कोटिक टिक जी भजी हरि मंदिर जू अजूप हरि राम व्यास जी कह रहे हैं संतों का संग नहीं हुआ प्रभु का आश्रय नहीं हुआ तो उसके हृदय में दया नहीं होती दया के बिना हृदय कठोर कठोर हृदय में ही सारे विकार दया द्रवित हो जाना दूसरे के दुख को देखकर कैसे निवृत्त हो ये कैसे सुखी हो इसका कैसे मंगल हो संतों की जो दृष्टि होती है वो परम दुख निवृत्ति के लिए होती है वो पत्ते नहीं काटते वो जड़ उखाड़ते हैं। हमें कोई बीमारी हुई डॉक्टर के पास गए उस बीमारी की औषधि दे दी बीमारी ठीक हो गई फिर हमसे ऐसे कर्म हो रहे हैं कि और नए हमें दुख मिले उस बीमारी की उस दुख की जड़ क्या है जो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए बोले वो है ज्ञान वो है अविद्या वो है भगवत विमुक्ता जन कृपा करके भगवान की सन्मुख कर देते हैं जो मंगल भवन है आनंद समुद्र है जो अपनी आत्मा है कोई और थोड़ी है आए हुए दुख की निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी आप करो या ना करो जैसे दिन है तो अपने आप रात्रि में है। बदल जाएगा रात्रि के बाद दिन आ जाएगा बदलना है उसको यह टिकाऊ नहीं है आगमा पाइनो अनित्यास ये आने जाने वाले हैं इनके लिए संत समागम थोड़ी होता है सतसंगति संस्कृति कर अंता आवागमन के चक्र का ही नाश कर दे रोग को जड़ से मिटा दे उसे सत्संग कहते हैं तब है बड़े भाग पाइप सत्संग व्यर्थ का प्रपंच दिमाग में भरा हुआ व्यर्थ का प्रपंच जब तक इसे आप छोड़ेंगे नहीं आग्रह तब तक संत वचन आदर सहित स्वीकार ही नहीं कर सकते जब ये वचन ही स्वीकृत नहीं हुए तो आपका मिलना आपका बैठना कोई खास बात नहीं हुई वचन स्वीकार करना जब तक वचन स्वीकार नहीं करेंगे तो आपसे उपासना नहीं बनेगी शुद्ध उपासना के बिना अहम का नाश नहीं होता दैन्यता नहीं आती तो बिना दीनता के बंधन ही बंधन है जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हम जिसे साधन समझ रहे थे वो भी तो बंधन है शुभ कर्मों की तरफ मना अशुभ कर्मों की निवृत्ति और शुभ कर्म तो करता तो है बचा ही ना करता तो है ही ना जब करता है तो भोगता तो होना ही पड़ेगा अवश्य में वो जब शुद्ध विचार जागृत होता है तारे। हमको भगवत प्राप्ति करनी है शुभ नहीं करना ये शुभ का भी बंधन त्यागना है तो फिर भगवत प्राप्ति किससे होती है दैन भाव से भगवान की शरण होकर निरंतर नाम जप करते, जो भी है भगवद अर्पित है जीवन हमारा चिंतन हमारा बाहरी व्यवहार इससे भगवत प्राप्ति होती है जब हम कोई दान पुण्य कोई शुक्रित करते हैं तो एक हृदय में गुदगुदी होती है आम होता है मैंने यह किया वो शुभ कर्म हुआ शुभ कर्म उसका एक फल मिलेगा वो भी बांधने वाला होगा नहीं नहीं इसीलिए जब उत्तम भाव जागृत होता है तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाता है अब भगवत प्रेरणा से जो हो रहा है वो करता नहीं है उसका उसे कोई फल नहीं चाहिए निरंतर भगवत स्मृति और सारे कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं शास्त्राज्ञा के अनुसार अब जीवन मुक्त हो जाएगा इसलिए हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए सहना सीखो सहना हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो उसे बाहर प्रकट मत करो बात समझो ये अध्यात्म है रही मन मन की विथाल रखिए मन में कोई सुन इट ले हैं लोग सब बांट न लई है कोई आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है कोई मत चाहे जैसी आपकी स्थिति हो आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं नाम जप जब कर रहे हो आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है वो पवित्र हो रहा है बस बोलो मत चेष्टा मत करो शांत हो जाएगा निर्मल हो जाओगे यही उपाय है शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का प्रार्थना मान लीजिए इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है और बड़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है सहित सहित गुरुहित गार अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे बस प्रभु दूर नहीं है समर्पण का भाव अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है चलते हैं श्री सनत सुजात जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं विदुर जी की प्रेरणा से उन्होंने कहा त्रुक महाज्योतिर्दीप्यम महद यश तदवई सूर्यो विराजते योगिस्तम प्रपच्य भगवंत सनातनम जिसे भगवान कहते हैं कौन है भगवान बोले जिसे भगवान कहते हैं वो शुद्ध है अब आपका हृदय जब तक तो शुद्ध नहीं होगा तो शुद्ध को कैसे जान पाओगे जो शुद्ध है उसके लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा आपका मन शुद्ध आपकी बुद्धि शुद्ध आपका चित्त शुद्ध आपका अहम शुद्ध आपका देह शुद्ध आपकी देह क्रियाएं शुद्ध आपकी इंद्रिया शुद्ध तो शुद्ध का अनुभव हो जाएगा यहां सब अशुद्ध है भीतर और बाहर से यदि शुद्ध होना है अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतूपिवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम सवायाभ्यंतर शुचि वो भीतर और बाहर से परम शुद्ध हो जाता है जो प्रभु का निरंतर नाम जप करता है वो भगवान कैसा है तो कह रहे शुद्ध है शुद्ध वो महान है वो ज्योतिर्मय है वो दे दिप्यमान है वो महान विशाल है समस्त लोकपाल देवता और ब्रह्मा जी भी जिसकी आराधना करते हैं जिसके तेज से सूर्य प्रकाशित होता है उसी सनातन ब्रह्म को भगवान कहते हैं योगी जन उन्हीं का साक्षात्कार करते हैं शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म से हिरण्य गर्भ ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और उसी ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि का सृजन ये वृद्धि को प्राप्त होती है वो शुद्ध ज्योतिर्मय जितने भी तेज हैं सब उसी के अंश से प्रकाशित हो रहे हैं संपूर्ण ज्योतियों का प्रकाशक वो परम प्रकाशक प्रभु है वो स्वयं सब प्रकार से अतप्त है अर्थात कोई उसे प्रकाशित नहीं करता कोई उसे ताप नहीं पहुंचा सकता वो सब को प्रकाशित करता है उसी से सब प्रकाश को प्राप्त हो रहे हैं स्वयं प्रकाश इसीलिए भगवान को कहते हैं योगी जन उन्हीं भगवान का साक्षात्कार करते हैं समस्त देवताओं को पृथ्वी को आकाश को दिशाओं को जन समुदाय को वो शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है उसी भगवान से समस्त दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी के भाव से सरिताएं प्रवाहित हो रही हैं ये बड़े बड़े समुद्र उसी से प्रकट हुए हैं उसी सनातन भगवान का साक्षात कर भक्त जन करते हैं जो इंद्री मन बुद्धि शरीर ये सब परिवर्तनशील है पर इनमें परम चैतन्यता जो प्रकट किए हैं, उसका नाम भगवान है कौन है भगवान सनसुजात जी बता रहे हैं किसी के भी कर्म अपने आप नष्ट होने वाले नहीं हैं, भोगना पड़ेगा जो इस शरीर रूपी रथ के चक्र की भांति सब को घुमा रहा है कर्म संस्कार से मन में जुते हुए इंद्री रूप घोड़े हृदय आकाश में स्थित उस ज्ञान स्वरूप दिव्य विनाशी को भ्रमित करके जीव संज्ञा में ये जिससे प्रचंड माया प्रकट हुई उसको सनातन परमेश्वर कहते हैं उसे ब्रह्म कहते हैं उसे भगवान कहते हैं भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं उस प्रभु के शिवा कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु के समान कहा जा सके बढ़ के तो बात जाने दो वो प्रभु त्रिगुणात्मिका माया से रचे हुए चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता इन्हीं चक्षुओं में ज्ञान नेत्र प्रेम नेत्र जैसा उपासक होता है भावना जैसी होती वो नेत्र इन्हीं में जागृत हो जाते हैं अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो कोई दो अलग से नेत्र थोड़ी प्रकट हो गए उन्हीं नेत्रों में वो सामर्थ आ गई और वो देख रहे ये जो हमारे जनसाधारण सबके नेत्र हैं इनमें त्रिगुणात्मिका माया का ही खेल देख सकते हो उस अंतर्यामी परम तत्व भगवान को नहीं आराधना के द्वारा गुरु कृपा से जब दृष्टि प्राप्त होती है अज्ञान का नाश होता है तो हृदय में ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानांजन सला कया चक्षण मिलित मेन सी गुरुवे नमा जिसका भगवत कृपा से ये निश्चय हो गया है बुद्धि में कि आप इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है जिसका मन निरंतर प्रभु के भजन के लिए मनन के लिए व्याकुल रहता है वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है ध्यान दीजिए कहीं ढूंढने की भागने की जरूरत नहीं जिसकी बुद्धि में ये निश्चय हो गया है किसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है फिर कुछ नहीं सुहाता जब ये लगन लगती है ना बहुत दम है इस लगन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान अव्यवस्था कोई भी उसके हृदय में अपना प्रभाव नहीं डाल पाती बस एक ही लगन जो शास्त्र में लिखा उसको देखना चाहता हूं उसका अनुभव करना चाहता हूं किसी से बात करना मिलना कुछ अच्छा नहीं बस एक आवेश चढ़ा रहता है नहीं बस मुझे एक केवल लिखा पढ़ी की बात नहीं मुझे अनुभव करना है।, वो है क्या मुझे अनुभव करना है वो एक लगन लगती है लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे वह सु लगन में तन मन डारे न तन की शुद्धि है न मन भोगों का संकल्प करता है वह तो एक लक्ष्य वन कैसे भगवत साक्षात्कार हो नहीं खान पान ते भावे है नहीं कोमल वसन सुहावे है सब विषय लगे ते खारा है हरि आसिक का मगनार वर्षों सर्दी में कंबल प्राप्त होने पर भी नहीं ओडे गंगा किनारे यहां तो क्या नहीं मुझे नींद पर विजय प्राप्त करनी मुझे निरंतर भजन करना है मुझे भगवत प्राप्ति करनी कुछ नहीं जिसके लिए निकले उसके कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक उत्साह एक बल ऐसा कभी नहीं कि निराश हो गए हताश हो गए ऐसे बैठे हैं मरे हुए ऐसे ऐसा नहीं एक नवीन उत्साह रहता लक्ष्य में बहुत बड़ी सामर्थ है फिर ध्यान से सुन लो उस परमात्मा का स्वरूप अतुलनीय है अनुपम है वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता तो कैसे अनुभव आएगा जिसकी बुद्धि ने यह निश्चय कर लिया है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म में और जिसका मन निरंतर व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए भगवत चिंतन के लिए वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं बहुत से महापुरुषों के अनुभव है वो अपने अविनाशी अमर स्वरूप में स्थित हो जाता है जहां मृत्यु का स्पर्श भी नहीं है भक्तजन ऊषि भगवान का साक्षात्कार करते हैं जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करती है फिर वो उसका पान करती है उसी प्रकार इस जगत में भ्रमणशील ये संसारी जीव पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों से कुछ प्रारब्ध भोग लेकर इस शरीर धारण करता है भोगता है फिर नए कर्म करता है बस ऐसे ही पंद्रह दिन वो शहद एकत्रित करते पंद्रह दिन में वो पान करते जन्म जन्मांतर यही क्रम चल रहा है इस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य जिसमें है उसे भगवान कहते हैं उसी परमात्मा ने समस्त प्राणियों को कर्म बंधन में बांध रखा है जो वो कर्म कर रहा है फिर उसे कर्म फल भोग अवश्य भोगना पड़ता है अगर मुक्त होना है तो उसी परमात्मा उसी भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन जिससे तुम्हारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे आगे तुम्हें कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा वर्तमान शरीर में जो निश्चित प्रारब्ध हो चुका है वो आएगा पर भजन बल से आप उसे सह जाएंगे आप आगे बढ़ जाएंगे भक्तजन उसी सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं जो पूर्ण परमेश्वर अपनी पूर्णता से ही पूर्ण विश्व का विस्तार करता है उसी पूर्ण की सत्ता से ये स्फुरीत होता है उसी पूर्ण की सत्ता में प्राणी चेष्टा युक्त है और उसी पूर्ण में ये सब लय हो जाता है उसे भगवान कहते हैं भक्त जन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं उसी पूर्ण सत्ता से वायु का प्रादुर्भाव हुआ है और वायु से संपूर्ण सृष्टि में प्राण जीवनी शक्ति है जो वायु को प्रकट किया वायु से सबका जीवन चलना उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, हुआ। उसी से सोम का प्रादुर्भाव हुआ उसी से प्राणों का विस्तार हुआ कहां तक गिनावे राजन हम नाम बताने में असमर्थ हैं, इतना उसका विस्तार है तुम इतना समझ लो कि सब का सब वही प्रगट करने वाला वही प्रगट होने वाला और वही लय करने वाला और वही लय होने वाला है उसी सनातन भगवान को योगी जन भक्त जन प्राप्त करते हैं हृदय देश में वो बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर रह रहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा लिंग से योगे नयाति नित्यम कोई भी यंत्र अभी तक नहीं बना जो जीव का अल्ट्रासाउंड कर सके या एक्सरा कर सके ऐसा नहीं बना अभी तक ए ये जीव देखो ऐसा नहीं हमें लगता है अभी तक मन का भी अनुभव करने के लिए केवल अध्यात्म में ही सामर्थ्य है और किसी यंत्र में तो सामर्थ्य भी आई नहीं कि ये मन है ये बुद्धि है ये हाँ अंतर्मुख हो गए तो अनुभव होने लगेगा कि ये बुद्धि का निर्णय ये मन का वो विवेक के द्वारा कोई पार्थिव यंत्र की सामर्थ्य इसमें फिर वो भगवत स्वरूप जो आत्मस्वरूप है उसका तो बिना ज्ञान के अनुभव ही कैसे सकता है हृदय देश में ही विराजमान है वो अत्यंत सूक्ष्म है अंतर्यामी रूप से है बस उस अंतर्यामी ने इस शरीर को अपना मान लिया इसीलिए जन्म मरण को प्राप्त होता जैसा लग रहा है हो नहीं रहा ये जो जन्म मरण का अनुभव हो रहा है ये शरीर को अपना मानने से हुआ है सारी की सारी बातें शरीर की हो ही लेकर विचरण करते हैं देख लो आप आपकी आंतरिक वृत्तियों को देखो कहां विचरण करते हो शरीर को लेकर ही शरीर का अनुकूल हुआ तो रागात्मक चिंतन शरीर के प्रतिकूल हुआ तो द्वेषात्मक चिंतन बस ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इन्हीं शरीरों को लेकर आप विचरण करते हैं इसीलिए बार बार तुम जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हो यद्यपि आप अविनाशी हैं आपका कभी मरण हो ही नहीं सकता पर आप भूल गए और शरीर मरण धर्मा शरीर को अपना मानने के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं जो सबका शासक है एक वही स्तुति के योग्य है जो सर्व सामर्थ्यशाली है जो सबका आदिकारण है जो सर्वत्र विराजमान है उसे देहाभिमानी जीव नहीं देख सकता उसी का भक्तजन साक्षात्कार करते हैं हे राजन कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन वो सब में विराजमान प्रभु को नहीं देख सकता क्योंकि जब तक वो अपने को अनुभव नहीं करेगा तब तक बाहर अनुभव कर ही नहीं सकता लक्ष्य है जो शब्द का आंतरिक भाव है जब तक आप अपने का अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप अनुभव कर ही नहीं सकते अपने को अनुभव तो अपना तो अनुभव भूले हुए अपने को शरीर माने हुए तो करते रहो साधन जन्म जन्म यतन करते रहो क्योंकि साधन तो है शरीर राग हटाने का शरीर राग हटा तो अपने स्वरूप का अनुभव होता है इसलिए बड़ा कठिन है जीवन मुक्त होना बहुत सरल है भक्ति के द्वारा वो जीवन मुक्ति स्वीकार करो धाम आश्रय नाम आश्रय वाक्यों का मनन करो ये वाक्यों का मनन अंतःकरण का मार्जन है आप समझो इस बात को जैसे कोई पात्र गंदा हो गया तो हम कुछ ऐसे पदार्थ लेकर फिर उसका मार्जन करते चमक उठता है ऐसे वाक्यार्थ विचार्यता जो संत महापुरुषों के महावाक्य हैं वचन हैं उनको विचारो उनका चिंतन करो तो चिंतन से इनका मार्जन होता है मन का बुद्धि का चित्त का आम का ये पवित्र होते हैं सुना निकल गया कोई मतलब नहीं और जब मार्जन होता है तब आचरणों में उतरने लगता है नहीं जब ऐसा है तो हम ऐसा क्यों करेंगे नहीं करेंगे हम ऐसा ही चलेंगे पर हम सत्संग के वाक्यों को मनन नहीं करते तो मार्जन नहीं हुआ वो गंदे के गंदे पड़े हैं जानकारी केवल ले ली ऐसा ऐसा दूसरों को सुना दिया मार्जन नहीं हुआ कोई साधन संपन्न या साधनहीन वो नहीं देख पाता बहुत सुन। जब तक वो अपने को नहीं जानता अपने को जान गए तो सबको जान गए क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है फिर वो जित देखो तित श्याम जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत जित दिखत तित श्याम खड़े नेत्र खुल गए तो जो अंदर वही बाहर बद्ध और मुक्त दोनों के हृदय में समान भाव से भगवान विराजमान है चाहे वो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो चाहे दुरात्मा हो चाहे महात्मा हो चाहे जीवन मुक्त हो या जीवन बद्ध हो वो तत्व तो सबके हृदय में समान विराजमान है वो आनंद का मूल स्रोत है समझो हम आनंद का मूल स्रोत विषय भोग मान रहे हैं वो आनंद का मूल स्रोत है उसी परमात्मा को योगी जन प्राप्त करते हैं जो ज्ञान मार्ग का पथिक है वो ब्रह्म विद्या के द्वारा लोक परलोक सब भोगों का त्याग करके एकाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति तो ब्रह्मविद ब्रह्म भी जीवन मुक्त हो जाता है जो याज्ञिक जन है वो अग्निहोत्र आदि के द्वारा विविध यज्ञों के द्वारा उसी का यजन करके उसको प्राप्त होते हैं जो भक्त जन है वो भक्ति के द्वारा उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं ऐसे महात्मा पुरुष जो अपने आप को प्रभु में समर्पित कर चुके हैं जो अपनी हर वृत्ति को प्रभु में लीन किए हुए हैं अब उनका ना शास्त्र से कोई प्रयोजन रह जाता है ना लोक से कोई प्रयोजन रह जाता है जैसे नदी पार हो गए थे नाव से कोई प्रयोजन नहीं ऐसे उस समस्त शास्त्रों के ऊपर विचरण करने वाले महापुरुष होते हैं समस्त शास्त्र जिसे नेति नेति कह रहे वहां वो स्थित हो चुका है तो अब किसी शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं किसी लोक से कोई प्रयोजन नहीं अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है वही सनातन परमात्मा को प्राप्त होता है मन के समान वेग वाला कोई नहीं है बहुत तीव्र गति जहां जहां आपने इंद्रियों के द्वारा मन का संयोग कराया है अभी 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 अमेरिका पहुंच गए, अभी अमुक देश पहुंच अभी एक देर नहीं लगेगी हां पहुंच गए इतना वेग है मन का इतना तीव्र गति वायु भी इतनी गति से नहीं चलता वायु तो समय लगता है आप अगर जहां भी गए हो और आपकी स्मृति में है अभी आ, अभी वहां पहुंचा देगा अभी वो दृश्य वो सब आपके सामने आने लगेगा ये मन बड़ा वेगशाली है और ये बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है इस डाल से उस डाल देखो चुपचाप देखो इसकी हरकत देखो इसको शब्द इस शब्द से वहां पहुंचा वहां से वहां पहुंचा वहां बस नाचता रहता है बस इसका नाचना बंद हो जाए इसकी चंचलता बंद हो जाए तब परमार्थ का आनंद स्फुरीत तो हो पर हम तो इसके विरुद्ध आचरण करते हैं और इसको चंचल बना रहे हैं किसी के दस लाख पंख जग जाए और खूब वेग से उड़े तो क्या आकाश का अंत पालेगा क्या सनत सुजात जी कहते हैं नहीं पा पाएगा ऐसे ही कोई कितना भी बुद्धिमान हो क्या उस पर ब्रह्म को जान जाएगा क्या नहीं तो फिर कैसे जानते हैं बोले सोई जान जे देव जनाई जिसे वो जना देता है अपने आप को वही जान जाता है तो किसको जनाता है बोले कृपा पात्र को कृपा पात्र कौन है मन क्रम बचन छाण चतुराई भजत कृपा कर जो मन से वचन से कर्म से निश्चल भाव से भगवान की शरण में हो गया वही कृपा पात्र है भगवान उसको अपना अनुभव करा देते हैं नहीं तो जैसे कह रहे कि यह सहस्त्र सहस्त्राणाम पक्षान सत्य संपतेत मध्य में मध्य आगछे दपिचेत श्यान मनोजवा ऐसा वेग उसका हो दस लाख पंख लगाकर उड़े तो भी आकाश का अंत नहीं पा सकता कोई कितना भी ज्ञानी विज्ञानी हो भगवान का अंत नहीं पा सकता इसलिए उनका नाम अनंत है वो स्वयं कृपा करके अनुभव कराते हैं कृपा पात्र को वही कृपा पात्र है जो मन वचन कर्म से कपट छोड़कर भगवान की शरण में हो गया मोहि कपट छल छिद्र न भवा ये प्रत्यक्ष है पर दिखाई नहीं दे रहा है जिसका अंतकरण विशुद्ध हो जाता है उसी के अनुभव में आता है तुम्हारे मानने न मानने से वो कोई किसी की मानने वाली वस्तु थोड़ी है कि मान लिया तो उसकी मान्यता नहीं माना तो नहीं अरे तेरे मानने न मानने से उस परम सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता मान लेगा तो तू आनंदित हो जाएगा नहीं मानेगा तो भ्रमित होकर भटकता रहेगा उसी की गोद में उसी की गोद में उसी विराट भगवान की गोद में आप बैठे हुए हैं संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की गोद में है बड़ा ज्ञानी जीव है अवसर मिला है बहुत भगवान बचावे दुर्बुद्धि से बचावे हमारी बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करे सब शास्त्रों का सार हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए प्रत्यक्ष है भगवान कहा है प्रत्यक्ष है दिखाई क्यों नहीं दे रहा अंतःकरण अशुद्ध है शुद्ध करो विशुद्ध अंताकरण वाला देख पाता है विशुद्ध अंताकरण कैसे होता है जो सबका हितैषी है जो मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रियों को अपने वश में किए हुए है अधर्म आचरण नहीं जिसके ऊपर भारी से भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होता जिसके हृदय में किसी भी संबंध का प्रभाव नहीं है और निरंतर भजन प्रायाण है वो मुक्त है ऐसा मुक्त पुरुष ही भगवत साक्षात्कार करता है यही है सबके बीच में है तासा मावीर भूख छोरी इसमें मान मुखाम मुझा अभी दर्शन हो जाए बस किसी संबंध का हृदय में प्रभाव नहीं किसी अन्य दुख का हृदय में प्रभाव नहीं पांच ज्ञानेन्द्रियों सहित मन जो प्रकृति की तरफ जा रहा है वो प्रभु की तरफ मुड़ गया हृदय शुद्ध हुआ भगवत साक्षात्कार हो गया जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहता है ऐसे ही प्रपंची दंभी पाखंडी व्यवहारी इन्हीं में छिपा है वो इन्हीं में छिपा है जो आप एक रूड़ापी पापी नो सताम संभाव से उन्हीं के हृदय में बैठा हुआ वो बैठा है जैसे ठग रास्ता चलने वालों के मार्ग में मित्र बनकर आकर उसको लूट लेते हैं उनको बातों से अर्झा करके उनको लूट लेते हैं ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगवत मार्ग में चलने वाले पथिकों का भगवत स्मरण रूपी धन फुसला के लूट लेते हैं क्या हुआ गई भगवत स्मृति भजन गया जो निश्चय हुआ था कि भगवान के नाम में हमें सुख मिले भगवान के धाम में हमें सुख मिले भगवान के रूप लीला में वो फिर फिर फिसला दिया बहुत बहुत ध्यान देने जैसे सांप अपने आप को बिलों में छिपाए रखता है ऐसे जो प्रपंची हैं, व्यवहारी हैं, दोषी हैं, जो नाना प्रकार के दंभ में हैं, उनके भी हृदय में वो छुपा हुआ बैठा है स्वाराध्य बुद्धिम हमारी दृष्टि वहां जैसे मार्ग में चलने वालों को ठग बातों में फंसला कर उन्हें लूट लेते हैं ऐसे सुख का प्रलोभन दे करके षड विकार साधक को लूट लेते हैं उनकी स्मृति को छीन कर देते हैं सुन रहे हैं तो इसका मनन भी करो ठगों के हाथ लगे हुए हाथ मिलाए उनको तुम मित्र समझ रहे हो और जो गुरु उपदेश है वाणी उपदेश है उसको तुम समझ ही नहीं रहे उनको तुम जरूर रुद्ध दृष्टि से देखते हो कि हमारे अनुकूल क्यों नहीं चलते क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठगों ने अपने अधीन कर लिया है काम क्रोध लो मो मद मत्सर ये मूर्ख मनुष्य इन ठगों पर विश्वास कर लेता है और अंत में ऐसे मोह के गर्त में गिरता है जहां से निकलना मुश्किल है बहुत बहुत पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है वही हाय हाय धन पुत्र परिवार ममता जा रहा है सबको छोड़ के जा पर उनकी सबकी स्मृति लेकर के फिर अगला जन्म का विस्तार सावधान जो प्रभु के मार्ग में चलने वाले हैं उनको भी ये ठग बहुत कोई चतुर हो तो निकल जाए नहीं तो गिरा ही देते लूट ही लेते हैं चतुर कौन जिसकी दृष्टि भजन में है भजन छूट रहा है इसके संग से तो कोई भी हो नहीं मुझे नहीं स्वीकार न वो वस्तु न वो व्यक्ति न वो स्थान न पद न सुख जिसमें हमारे प्रभु का विस्मरण हो रहा है? नहीं ऐसा नहीं होगा सावधान एकाकार वृत्ति निकल गए कोई भी ठग तुम्हें फंसा नहीं सकता क्योंकि नाम रूपी रक्षक आपके साथ है नाम पहाड़ू दिवस पर बड़ी समस्या है बड़ी समस्या है नाम पर महत्व ही नहीं हो पा रहा भजन पर महत्व नहीं हो पा रहा भोगों पर महत्व है स्पष्ट कह रहे परमात्मा के मार्ग में चलने वालों को भी ये ठग प्रभावित करके लूट लेते हैं योगीजन उन्हीं भगवान का आश्रय लेकर के उनका साक्षात्कार करते हैं राजन मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं आज तक मैं किसी के असत्कार का पात्र नहीं बना क्योंकि मेरी स्थिति सदैव त्मा आत्मस्वरूप में ब्रह्म में भगवान में रहती है मेरी कभी मृत्यु नहीं होती ना मेरा कभी जन्म होता है जब मेरी जन्म और मृत्यु ही नहीं तो मोक्ष किसका शुद्ध शुद्ध आत्म ज्ञान मैं नित्य मुक्त हूं मैं सत्य हूं सनातन हूं शम हूं ब्रह्म हूं मेरे से ही सब कुछ प्रकट हुआ है मैं ही सब रूपों आ गए ब्रह्मविद ब्रह्म भी प्रारंभ में किया था कि उस भगवान से अब अपनी स्थिति का बोध करा रहे मैं मैं उसी में स्थित होकर के इसलिए राजन समस्त भूतों में परमात्मा को देखो और ऐसी ही दृष्टि प्राप्त करो कि हर समय अखंड प्रसन्नता रहे कोई भय नहीं क्योंकि जो विषय भोगों में आ सकता है उसे शोक ही शोक प्राप्त होता है शोक ही शोक जो हार से दिखाई देता है वो भी शोक ही होता है जैसे यथोद पाने महति सर्वतः संपलुतोद के एवं सर्वेश वेदेशु आत्मान मनुजानता महान स्वादिष्ट निर्मल जल का बड़ा जलाशय प्राप्त होने पर क्षुद्र गड्ढों की तरफ फिर न, मन नहीं जाता ऐसे ही परमानंद स्वरूप प्रभु का अनुभव फिर लोक लोकांतर के किसी भी विषय में मन नहीं जाता शांत हो जाता है सबके हृदय में वो स्थित है कहीं भागने की जरूरत नहीं पर वो दिखाई नहीं दे रहा है जो रात दिन सावधान रह करके एक एक शब्द ध्यान दो हृदय में ही है कहीं बाहर साक्षात्कार नहीं करना यही जो रात दिन सावधान रह करके सावधान तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो उस प्राप्त करने का उपाय क्या है हर समय तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए सावधान रहने वाला है निरंतर भजन पारायण वो उसे जान लेता है वो परमानंद में निमग्न हो जाता है न मेरी कोई माता है न मेरा कोई पिता है धतराष्ट्र मैं ही सब रूपों में हूं यह आत्मस्वरूप की स्थिति है जो भी है वो मैं हूं जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी मैं हूं वही भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं चतुश्लोकी भागवत में वही स्थिति ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की या भेद स्वरूप से भगवत स्वरूप हो गए यह मानव देह सूक्ष्म प्रभु का अनुभव करने के लिए जीवन मुक्त होने के लिए मिला है इसलिए राजन उस परम पिता उस परमेश्वर उस प्रभु का सतत स्मरण करो सभा में धृतराष्ट्र जी और सब बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं संजय जी ने धृतराष्ट्र जी से संबोधन करते हुए कहा जब सरसदास जी मौन हो गए कि आप इन महापुरुषों की बात सुनकर के क्या निर्णय किया यदि आप पांडवों को उनका राज्य वापस नहीं करते तो मैं सभा में कह रहा हूं कि एकमात्र गांडीव धनुषधारी अर्जुन त्रिभुवन को परास्त कर सकते हैं तुम्हारी ग्यारह क्षोणी सेना क्या चीज संजय धतराष्ट्र के ही है बहुत प्रिय है हृदयस्थ है एकदम धृतराष्ट्र जी कोई उत्तर नहीं दिए ये पुत्र आशक्ति सर्वनाश करा रहे हैं हा में हा मिलाते हैं अपने पुत्र की बड़े बड़े महापुरुष समझा रहे हैं जब तक आप अपना आग्रह नहीं छोड़ेंगे तो कितना भी बड़ा महापुरुष आपको समझा ले आपका परिवर्तन नहीं होने वाला आग्रह छोड़ना पड़ेगा भीष्म जी खड़े हुए देखा कि धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं रहे तो उनका राजन मनुष्य लोक में जो विराजमान गांडीव धनुषधारी अर्जुन है इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी एक तरफ हो जाए तो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि साक्षात भगवान के साथ है ये दोनों नरनारायण समस्त लोक हित के लिए एक ही तत्व दो रूप धारण करके सदा तप परायण रहते हैं लोक हित के लिए जब जब जहां जहां जैसा अवसर आता है ये बार बार वहां प्रकाशित होते हैं पूरी सृष्टि को नजर में रखे हुए अब भी विराजमान है भगवान नरनारायण दुष्टों का दमन करने वाले साधुओं की रक्षा करने वाले धर्म का संरक्षण करने वाले देवर्षि नारद जी ने हमें इनका परिचय बताया था कि भगवान क्या है भगवान कैसे हैं अरे दुर्योधन तू विनाश बुद्धि को प्राप्त हो रहा है पीछे वर्णन किया था देवता किसी को डंडा लेके नहीं मारते कर्म के अनुसार बुद्धि बदल देते स्वयं नष्ट हो जाता है स्वयं क्या हुआ कर्म सवार हो गया बुद्धि पे स्वयं जिस देह और प्राण को बहुत प्रिय माना जाता है बुद्धि में तुम्हारा जब दंड पाने का समय आया तो ऐसा निश्चय हो गया कि अपने हाथ से अपने शरीर को काटने लगे अपने हाथ से अपने शरीर को नष्ट कर दिया दुर्योधन तेरे विनाश बुद्धि प्रकट हुई है तू देखेगा जब ये महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठे होंगे और अर्जुन के गांडियों से भयंकर बाण छूटेंगे तब तेरे को मेरी बात याद आएगी कि तेरी बुद्धि विनाश को प्राप्त हो रही है तू बड़े बुजुर्गों की महात्माओं की बात नहीं मानता तो एक शब्द याद कर तेरा विनाश अवश्य उपस्थित हो गया है तात तुम्हारी बुद्धि धर्म से भ्रष्ट हो गई है मेरा कहना मान नहीं एक दिन तू तो सुनेगा कि आज ये मारा गया आज ये मारा गया तेरे सारे सहयोगी मारे जाएंगे भरत श्रेष्ठ एक तुम ही ऐसे हो जो इस भगवान परशुराम जी के द्वारा अभिषेक अर्थात शाप पाए हुए कर्ण का सहारा लिए हुए हो ये सूत पुत्र कर्ण सुबल पुत्र शकुनी और दुशासन ये तुम्हारे नाश के लिए सलाह देते हैं कर्ण खड़ा हो गया और बोला भीष्मजी आपको जब देखो तब कड़वे वचन ही मेरे लिए बोलते हो आप, आप जैसे वृद्ध पुरुष को शोभा नहीं देता कि भरी सभा में आप हमारा अपमान करते हैं मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूं कौन सा ऐसा मैंने दुराचार किया कि आप खड़े होकर के हमारी निंदा करते हैं तुम्हें पुत्रों में पापाचार दिखाई दे रहा है बताइए कौन सा पापाचार है मैंने ना तुम्हारा अनिष्ठ किया है ना पांडवों का फिर आप हमारी निंदा क्यों करते हैं और जो मुझे प्यार करता है सम्मान देता है उसके लिए मैं प्राण समर्पित किए हूं वो है दुर्योधन इसलिए दुर्योधन का आप्री मेरा अप्री दुर्योधन का प्री मेरा प्रिय फिर आप हमारी निंदा क्यों करते हैं भीष्म जी ने कहा धतराष्ट्र ये कर्ण केवल डींग हाकने वाला है इसकी बात मत मानना तुम ये बार बार बोलता है कि अर्जुन क्या है पांडव क्या है मैं उनको मार डालूंगा जीत लूंगा ये दुरात्मा है उन महात्माओं की महिमा को नहीं जानता है ये सूतपुत्र कर्ण ये करतूते कर रहा है जिससे आपका विनाश हो जाएगा कौरव वंश का ये मंदबुद्धि दुर्योधन समझ नहीं पा रहा है ये उसी कर्ण का सहारा ले रहा है जो कई बार भाग चुका है अर्जुन के सामने से युद्ध में बड़ा दुष्कर पराक्रम करने वाले भयंकर भीम के सामने कौन है? विराट विराटनगर में देखा है कर्ण तूने भी दुर्योधन तूने भी उनका पराक्रम जो उनके पास कोई सेना नहीं कोई दिव्यास्त्र नहीं आज तो वो दिव्यास्त्र से युक्त है उस समय भाग पड़े थे तुम लोग तो आज कैसे टिक जाओगे जब धनंजय भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेकर गांडी पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो कोई भी सामने टिकने लायक नहीं इसलिए युद्ध की बात तो सोचो मत संधि कर लो आधा राज्य वापस कर दो तुम्हें याद दिलाता हूं विराटनगर में घोष यात्रा के समय तो तो विराटनगर में देखा भागे और जब ये द्वैत वन में थे तो ये दिखाने के लिए दुर्योधन अपने परिकसित देखो हम कितने सुखी तुम दुखी हो तो गंधर्व अपहरण करके ले गए थे तब चिल्ला रहा था बचा लो तो बचाया तो विराट नगर में और घोष यात्रा में दोनों का चिंतन करो और अपने बल का चिंतन करो कि तुम क्या हो तुम्हारा भला हो महाराज इस कर्ण की सेखी वाली बातें मत सुनो इसकी जितनी कही हुई बातें सब झूठी है ये धर्म और अर्थ का नाश करने वाला प्रोत्साहन बढ़ा रहा है कि आप युद्ध करो भीष्म जी की बात सुनकर द्रोणाचार्य जी खड़े हुए और धत्तराष्ट्र से कहा कि भीष्म जी महाभागवत है इनका जो निर्णय है उसे आप स्वीकार करें आप लोभ में आकर अपने पुत्र की बात ना माने मैं स्पष्ट कहता हूं युद्ध में आपका मंगल नहीं है पांडवों से आप संधि कर लीजिए जो अर्जुन के विषय में भीष्म जी कह रहे हैं वही मेरा भी अनुभव है क्योंकि मेरा शिष्य है वो इस समय दिव्यास्त्रों से युक्त है पांड अर्जुन जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं तीन लोकों में नहरस्य तिशुलोकी शु सदस्य धनुर्धरा मैं उनका गुरु हूं पर त्रिभुवन में निर्णय करके कहता हूं अर्जुन जैसा धनुर्धारी नहीं है द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें बड़ी सार गर्भित हुई पर धर्तराष्ट्र ने कोई ध्यान नहीं दिया पुत्र आशक्ति इतने बड़े बड़े महापुरुषात जी विदुर जी भीष्म जी द्रोणाचार्य जी समझा रहे पर उनके हृदय में यह बात समझ में नहीं आ रही संजय ने कहा महाराज आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं यह मेरा व्यर्थ का प्रलाप मत समझना आपके सुख के लिए कह रहा हूं कि आप दुर्योधन को आज्ञा कीजिए कि युद्ध की भावना से निवृत्त हो जाए किसी भी तरह से मंगल नहीं होता युद्ध में प्रजा का नाश ही होता है समस्त कौरव सुरक्षित रहें पांडव सुखी रहें इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं आप संधि स्वीकार करें उनसे वैर नहीं धत्तराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा वत्स तुम जरा अपनी सेना की ओर देखो और फिर मुझे बताओ क्या तुम में इतने सामर्थ्य है कि तुम पांडवों से लड़ सकते हो बुद्धि जब बिगड़ जाती है तो सत्य बात समझ में नहीं आती चाहे जैसे समझाओ देखो जो भी है ये सब हमको सलाह दे रहे संधि करने की बेटा तुम्हारी इच्छा क्या है दुशासन कर्ण सुबल सकुनी सलाह करके इनसे बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है बेटा की इच्छा पूर्ति बहुत होश में जब कोई महापुरुष उपदेश करे तो उसका मनन जरूर करना चाहिए धित्राष्ट्र जी भगवत माया से ऐसे प्रेरित है कि एक बात का भी मनन नहीं करते इनको बार बार अपने बेटे की बात कि दुर्योधन को बुरा ना लग जाए दुर्योधन के अनुकूल यही बात बिगड़ जाती है अगर गुरुजन तुम्हारे अनुकूल बोलने लगे तो पतन का रास्ता खुल जाता है अगर वैद्य मरीज के अनुकूल हो जाए तो रोग बढ़ जाएगा अगर मंत्रणा देने वाले राजा के अनुकूल बोले तो फिर बात बिगड़ जाएगी हमारा कल्याण तभी होगा जब सही निर्णय किया जाए कोई मोह या आसक्ति के वश निर्णय ना किया जाए दुर्योधन बोला पिताजी ये द्रोणाचार्य जी मेरी तरफ ही रहेंगे भले बात पांडवों की करते पर रहेंगे मेरी द्रोणाचार्य जी हैं तो अस्वस्थामा तो रहेंगे ही ना मेरी तरफ और द्रोणाचार्य अश्वस्थामा हैं है तो उनके संबंधी हैं कृपाचार्य तो रहेंगे ही और जी ये तो हमारे हैं ही ये बड़े बड़े योद्धा क्षोणी सेना एकत्रित एक हुई है और कर्ण तो एक महान याज्ञिक है ये यज्ञ का विस्तार करेगा और युधिष्ठिर होंगे इस रण यज्ञ की पशु बलि इस रथ की वेदी होगी खड्ग ही सुरुआ होगा गदा ही श्रुक होगा कवच ही मृगचर्म होगा चार घोड़े ही चार होता होंगे बाण कुशा होगा यश हविष्य होगा और इस सम्रांगण यज्ञ में मेरी जय होगी समझे में नहीं आता जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो समझ में नहीं आता आप क्यों डरते हो जहां मैं दुर्योधन और जहां एक कर्ण दुशासन ये तीन केवल पांडवों का संघार कर डालेंगे बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बिगड़ी जाती ये भगवान श्री कृष्ण है सामने ये दिखाई नहीं दे रहा मैं तो कब का पांडवों को मारकर अखंड शासन करता बार बार पिताजी के समझाने पर ही समझता रहा सभा को संबोधन करके कहे अब मैं पांडवों को मारकर अखंड भूमंडल का राज्य करूंगा अगर राज्य नहीं तो फिर जीवन क्या है? मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूं लेकिन पांडवों को सुई की नोक भर जमीन नहीं दूंगा बिना युद्ध के आप आधे राज्य की बात कहते भूमेन पांडवान प्रति विध्येद्रेण मारिश अग्र भाग भर भूमि नहीं दूंगा संधि की बात और राज्य वापस करने की तो बात जा ले दो यावधि सूचयास्तीक्षणा या विधेदग्रेण मार्श तावदपे परित्याज भूमेन पांडवान प्रति पिताजी तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंद सकती उतनी भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा धृतराष्ट्र जी दुर्योधन की बात जब सुने तो संजय जी फिर खड़े हो गए और कहा राजन मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं ये आसार बात बोल रहा है दुर्योधन आप संक्षेप में सुन लीजिए मेरे अनुभव की बात मैं आपको बताए दे रहा हूं कि मेरे अंदर भगवान के तत्व का बोध हो चुका है उनकी कृपा से संजय बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा है एक और संपूर्ण जगत हो और दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण केवल श्री कृष्ण तो जनार्दन ही संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करने की सामर्थ्य अकेले रखते हैं श्री कृष्ण के संकल्प से ही यह जगत प्रकट हुआ है इस जगत का पालन होता है इस जगत का नाश भी उन्हीं के संकल्प से होगा कौन है जहां श्री कृष्ण खड़े उनके सामने युद्ध कर सके जिस ओर श्री कृष्ण है उदी उसी ओर सत्य धर्म लज्जा सरलता वैभव ऐश्वर्य विजय ध्यान दीजिए जिस ओर श्री कृष्ण है ये बात हृदय में आ जाए हे प्रभु मैं आपका आप मेरे सब मिल जाएगा सब जब मणि मिल जाती है तो सौ दो सौ ग्राम सोने के लिए रोना नहीं पड़ता पहाड़ बना सकते हो तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाले प्रभु श्री कृष्ण और उनको अधीन करने वाला उनका नाम जब हमारी जिभ्या में है तो हमें क्या चाहिए समझ नहीं आ रही संजय जी ने कहा ये पुरुषोत्तम सबकी आत्मा है ये इनका खेल है इन्हीं के खेल में पृथ्वी अंतरिक्ष सर्व पाल सर्वलोक इन्हीं के खेल है से संचालन होता है इस समय सबके नेत्रों को ढक करके साधारण लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं पर आप समझ लो ये हैं कौन ये केशव महान योग शक्ति से युक्त तो निरंतर काल चक्र संसार चक्र युग चक्र को घुमाने वाले हैं मैं आपसे सच कहता हूं सब कुछ मात्र श्री कृष्ण है संजय जी कह रहे आ काल मृत्यु चराचर जगत स्वामी शासक सब कुछ श्री कृष्ण है ये महायोग योगेश्वर हरि, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं ईश्वर हैं भगवान केशव अपनी माया से अपने को ढके हुए हैं अपना प्रभाव इसलिए मोहित मत होइए अपने पुत्रों की बात में जो भगवान के पक्ष में है उनसे युद्ध की बात मत सोचिए धृतराष्ट्र ने कहा ये श्री कृष्ण लोगों के महान ईश्वर है ये तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जानता हूं इनको ऐसे संजय जी ने कहा राजन आपको तत्व तो ज्ञान नहीं है इसलिए आप नहीं जानते हैं और मुझे श्री कृष्ण की कृपा से तत्व तो बोध प्राप्त हो चुका है मेरी अबाध दृष्टि रहती है ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती जैसे हमारी दृष्टि गई तो पहले बाधा पड़ी क्या शरीर दिखाई दिया हमें सीधे प्रभु नहीं दिखाई दे रहे अब भजन साधन अभ्यास से ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए तीनों शरीर ये दृष्टि से अट सीधे गोपीजन कहने जित देखो त्याम केवल प्रभु दिखाई दे रहे अभी बाधा युक्त दृष्टि हमें जड़ दिखाई दे रहा चैतन्य दिखाई दे रहा संजय कहते हैं हमें श्री कृष्ण कृपा से तत्व बोध प्राप्त हो गया है हमारी दृष्टि अबाध है हमारी ज्ञान दृष्टि कभी लुप्त नहीं होती और आपको तत्वबोध प्राप्त नहीं राजन आप अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं इसलिए आपको श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं है समझ रहे जो अज्ञानी जीव है वो भगवान को नहीं जानता है यद्यपि उसमें भी भगवान है, उस सब जगह विराजमान है जब तक ये ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती तो प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इनी तीन का दर्शन होता है यही हो रहा है देख लो प्राणियों का पैदा होना प्राणियों का पलना प्राणियों का नाश होना इतनी लीला आप देख पा रहे हैं क्योंकि अज्ञान दृष्टि है और जब ज्ञान दृष्टि होगी तो ये लीला जैसे है उसे हम नहीं देख पा रहे तो जब ये माया हटेगी तो जो है उसे देख पाएंगे ये नहीं सी राम में सब जब सब उनको सियाराम राम सब तो समझाने के लिए बस श्री राम ही धृतराष्ट्र ने कहा संजय भगवान में तुम्हारी नित्य भक्ति है तो उसका स्वरूप क्या है तुम भगवान को सर्वस्व जानते हो तो उनका तत्व क्या है श्री कृष्ण का संजय ने कहा महाराज आपका कल्याण हो मैंने आज तक कभी अधर्म नहीं किया भक्ति का रंग लाने के लिए सबसे पहली बात बोली पूछा तुम्हारी भक्ति का स्वरूप क्या है जिससे तुम्हें तत्व बोध प्राप्त हुआ सर्वत्र अबाध ज्ञान दृष्टि मिली और तो सबसे पहले बोले हमने अपने जीवन में कभी अधर्म नहीं किया अब यहां भयभीत नहीं होना वृंदावन में हिमात में सुनते एक भी मेरे में धर्म का लक्षण नहीं पर अब मैं जान गया हूं कि आप मेरे शरणदाता है यद्यपि मैं सब गुणों से हीन हूं पर प्रभु मैं आपकी शरण बात वही आ जाएगी वही बात आ जाएगी मैंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया मैं कभी पाखंड नहीं दर्शाता धर्म का शुद्ध आचरण करता हूं और भगवान के निरंतर सुमिरन में मगन रहता हूं इससे मेरे अंतकरण में शुद्ध भक्ति शुद्ध ज्ञान प्रकाशित रहता है और मैं भगवान की कृपा से भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गया हूं संजय जी धृतराष्ट्र जी को अपनी स्थिति बताते हैं फिर धृतराष्ट्र जी जो आगे उस श्रेष्ठ सिराधा राधा वल्लभ लाल